दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? अबे इंडी अलायंस, दो दिन से मैं देख रहा हूं, दो दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है
सनातन धर्म के खिलाफ आलाप 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे।